दोस्तों, नोकिया अपने प्योरबुक सीरीज के साथ में एक नया स्टार्टिंग करने जा रहा है लैपटॉप के दुनिया में। और इस सीरीज का फर्स्ट लैपटॉप है नोकिया प्योरबुक X14। और दोस्तों, ये ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च भी हो गया है और फिलहाल अभी इसका फास्ट सेल जो है 17 दिसंबर को ऑलरेडी हो गया है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और हो सकता है आप लोगों में से ही बहुत लोग इसको प्री ऑर्डर कर चुके होंगे। और ये प्री ऑर्डर कर लेने के बाद अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रहता है या फिर अगर आप लोग इसको खरीदने के लिए सोच रहे हैं और अपकमिंग सेल्स के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं नोकिया प्योरबुक X14 के बारे में। और साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग इसको प्री ऑर्डर कर चुके होंगे उन लोगों को ये ले लेना चाहिए या फिर उसको कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर जो लोग लेने की सोच रहे उन लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इसके डिस्प्ले की। तो इसमें हमें 14 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिल रहा है। तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वो नॉर्मल LCD डिस्प्ले से थोड़ा बेटर होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोसेसर की। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करना तो मत ही भूलना यार। और इस लैपटॉप के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और अब बढ़ते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो इसमें हमें एक इंटेल का i5 प्रोसेसर मिल रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है ये एक 11 जनरेशन का प्रोसेसर होने वाला है। मतलब इसमें हमें एक i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है। और बात करते हैं अब इसकी रैम की। तो इसमें हमें 8GB DDR4 रैम मिल रहा है। और बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। तो इसमें हमें एक 512GB का एक SSD मिल रहा है। और यही प्राइमरी और एकलौता स्टोरेज डिवाइस होने वाला है। तो आप लोगों को इसमें ओवरऑल 512GB का ही स्टोरेज मिल रहा है। तो रैम और प्रोसेसर के बारे में तो हम लोग बात कर लिए। तो अब बात करते हैं इसके ग्राफिक्स, मतलब इसके GPU के बारे में। तो इसमें आप लोगों को कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक्स नहीं मिलेगा, मतलब NVIDIA या फिर AMD का कोई भी आप लोगों को ग्राफिक्स नहीं मिल रहा है। इंटेल i5 का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहता है वही आप लोगों को मिलेगा एक GPU के दौर में। तो दोस्तों, ओवरऑल स्पेक्स के बारे में तो हम लोग बात कर लिए। अब चलते एडिशनल फीचर्स क्या क्या है इसमें वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी OS की। तो इसमें आप लोगों को विंडोज 10 होम मिल रहा है, जो कि एक अच्छा चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। और जो आता है ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ में, मतलब इसमें आप लोगों को अलग से प्रोडक्ट की या फिर कोई भी क्रैक यूज़ करना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ में एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग किया जा रहा है, जो कि है डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये तो मतलब कोई ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये तो मैं नहीं कहूँगा। मतलब अगर आप लोग ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हैं, मतलब मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा फीचर्स होने वाला है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो फीचर्स है ये थोड़ा ओवर हाइप टाइप का है। और अब हम चलते हैं इसकी मेन हाईलाइटिंग फीचर्स की तरफ। तो अगर आप लोग लॉन्च पेज को गौर से देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि तो सारे जो पोस्टर्स हैं उसमें ये मेंशन किया जा रहा था ये एक मोस्ट लाइट वेटेड लैपटॉप होने वाला है। और इसका जो वेट है 1.1 kg का। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका जो वेट है एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होने वाला है। मतलब अगर आप लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो इसको इजीली आप लोग कैरी कर सकते हैं। तो सारे फीचर्स के बारे में तो बात कर लिए और ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन भी दे दिया। अब चलते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो कि इसकी प्राइस और मैं आप लोगों को ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका जो प्राइस है 59,990 रुपीज़, उसके हिसाब से इसका जो स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे हिसाब से ये एक ओवर प्राइस लैपटॉप है। पर हाँ, एक चीज़ है इसमें आप लोगों को जो विंडोज 10 होम का सपोर्ट मिल रहा है वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। और जो वेट है वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे सबसे ज़्यादा डाउन पॉइंट ये लगा कि एक 60,000 के लैपटॉप में हमें कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिल रहा है। जो अगर आप लोग गेम वगैरह में इंटरेस्टेड है और आप लोग ज़्यादातर गेम खेलना पसंद करते हैं और वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या फिर ऑटोकैड वगैरह की काम करने के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप्स अवेलेबल है और जो इससे भी अच्छा स्पेसिफिकेशंस के साथ आप लोगों को मिल सकता है। तो दोस्तों, फाइनल बात, जो लोग प्री रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके होंगे तो आप लोग एक बार सोच लेना और जो जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया उस हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं कि आपका रिकमेंडेशन क्या है और आप लोग इसको लेके सेटिस्फाइड होंगे या फिर नहीं। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आएगा। और पसंद आने पर क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक करना हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और अभी 100 सब्सक्राइबर भी पूरा हो गया है, जल्दी से 150 सब्सक्राइबर भी कर दो वीडियो। और इस लैपटॉप के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है आप लोग नीचे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे अपडेटेड।